प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको बता दें, फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम जो होगा, यह पहला एग्ज़ाम आपका 23 अगस्त के दिन होने जा रहा है, ठीक है ना। और इस दिन आपका जो ना सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर एक आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए, आपका जो है ना टोटल ये 70 नंबर का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम में। बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। तो ये आपका 3T से पावर होगा 7, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी नोट करना है। दो नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन के 200 ml में 4 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन की मोरलता क्या होगी। तो याद रखिएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 0.4 ग्राम। वैसे तो 0.2 ग्राम होना चाहिए था, बट यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, 0.25 है, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे 0.4 को, ठीक है ना। और आपको हम इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको 35 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन और फिर आपसे 3 नंबर पूछा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र में से कौन है, तो 3 नंबर का राइट आंसर सी नोट कर लेना है, H2H4। अगले क्वेश्चन 4 नंबर है, NH4+ में जो ना उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतलाइए। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लेना, 7 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से बोला, एसिटिलीन में पाए, ठीक है ना, पाए है, पाए बंधों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, यानी कि 3 के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन 6 नंबर है, अल्किन लिखा हुआ है, ठीक है ना, अल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए, अल्किन का सामान्य सूत्र वैसे CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखो, ये नहीं दिया गया है, अल्किन बोला, एल्किन तो नहीं बोला, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी को कह सकते हैं। सिर्फ अंतर इसमें क्या है, 2 का यहाँ पर माइनस किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है ना, तो हम लोग इसी को चूज करेंगे। 7 है, कास्टिक सोडा का अनुसूत्र इनमें से क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NaOH। एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमें 98355, ठीक है ना, 98355 16710 इस पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11th साइंस सब्जेक्ट लिख के भेजिएगा, हम आपको ग्रुप में एड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो याद रखना है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर, जल का pH मान कितना होता है। तो ये 7 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर B नोट कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट 7 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो ये 3 होती है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 होती है, B होगा प्यारे बच्चों, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल जना बिलिस अम्ल कौन है, लिबिस, ठीक है ना। तो 11 का याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, ये आपका VL3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट, बी है, डी है ना, डी नोट करना है। 12 है कि H3O+ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि लिखा है H2O+, इसको क्या कहा जाएगा, याद रखना है 12 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ना हाइड्रोक्सिल आयन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, दलदल गैस को क्या कहा जाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4 कहा जाता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 14 है, C2H6O में कितने समावयवी होते हैं। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन डी नोट कर लेना है, अब 5 के बराबर होता है, ठीक है ना, कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर। 15 है जो ना, ग्रिनॉर्ड प्रतिकारक इनमें से क्या हो सकता है। तो R इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, R Mg
इस प्रकार से एम जी सिंगल बॉन्ड, फिर होता है एक्स, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना में कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपको नोट करना है, गुना में है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन अधिक आयनिक है, तो बिल्कुल के सी एल ये बहुत ज़्यादा आयनिक है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट करना। 17 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो होगा नोट करना है 17 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2, क्या होगा CO2 है ना, ऑप्शन आप लोगों को ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है 2.345 गुने 10^4 में सांकेतिक अंकों की संख्या बतलाइए, तो सांकेतिक अंकों की संख्या क्या, जो ऊपर वाला है ना पावर में वही होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विषम परमाणिक अणु है, तो याद रखना है 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल H2O हो जाएगा, H2O ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 20 है, निम्न में से कौन डी ब्रोगली समीकरण है, तो याद रखना है 20 नंबर का राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवक्रिय अवक्रिय गैस के विन्यास को दर्शाता है, तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न देखिए 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा 22 का, अरे 21 का क्या बताए थे प्यार बच्चों बताना, तो सी बताए थे ना, 22 का क्या होगा तब, 22 का डी हो जाएगा तब, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं 23 को देखिएगा, मीथेन में कार्बन का प्रशकलन कितना होता है, तो ये SP पर पावर 3 होगा। अगले क्वेश्चन है 24 नंबर, हाइड्रोजन के परिणार्थक प्रभाव का मान कितना होता है ना, तो याद रखना है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, क्या नोट करोगे प्यार बच्चों, ये नोट नहीं करोगे ना, कर लो। चलो 25 है, ऊर्ध्वाधर पाटन से शुद्धिकरण किया जा सकता है, किस चीज़ को, तो फॉर्मिक अम्ल द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। चलिए 26 को देखिएगा, सोडियम के कोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये होगा 11, ऑप्शन क्या नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी नोट करना है। 17 है, 27 है, भाखरा चूना, ठीक है ना, भाखरा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया कर प्रदान करता है, क्या चीज़, तो याद रखिएगा CaO Cl2, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। चलिए 28 को देखिए, टॉलविन एवं वैनजीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो ये मुझे शायद नहीं पता है प्यार बच्चों, ऐसे ऐसे आप लोगों को ना, हाँ ये ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आंशिक जो ना आसवान, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए अब है 29 नंबर, इस प्रकार से लकीर है CHO, ठीक है ना, पता ये क्या होगा, फॉर्मूला इसका क्या है, ब्यूटेन होगा, क्या होगा, ब्यूटेन कहलाता है ना। चलिए ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर है, DDT क्या है, DDT क्या है, तो ये कीटनाशी है, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए 31 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, तो ये Li करता है। चलिए पहले हम लोग आंसर की डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, कंटिन्यू फिर हमको आपको आंसर की बताएं। प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लें, जैसे बता रहा वैसे करोगे तो डाउनलोड होगा, फिर ऊपर करोगे ना फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जूम करके दिखा दे आपको ना, ठीक है, चलिए जूम करके दिखाते हैं, है ना। चलिए ये देखिए, ये रहा, इसी पे क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिएगा ना, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, है ना। उसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, ठीक है, आइए नीचे आइएगा, क्लास 11th का सेशन मिलेगा आपको, क्लास 11th है, बिहार बोर्ड क्लास 11th, फर्स्ट टर्म एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना, कई बच्चे नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं आंसर मिल पाएगा सही से। क्या करना है, पेज को नीचे की ओर ना, एक सेकेंड, पेज को नीचे की ओर खींच देना है, है ना। ऊपर करोगे देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। चलिए बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू इस प्रकार से आएंगे,
ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ऐसे ही देखो, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिट होगा। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड वहाँ पे लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का यहाँ देखो लिंक है, ठीक है, इसे ज्वाइन कर ही लेना और नंबर पर मैसेज कर लेना। आगे बढ़िएगा तो ये साइंस का सेशन है, क्योंकि साइंस का तो आपको करना है, पेपर का नहीं मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा। जैसे कि फिजिक्स का पहले ही बता दें, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, और आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए बायो है, इसके अलावा बढ़ते हैं, हिंदी है, उर्दू है, एग्रीकल्चर है, साला और आर्ट्स वाले बच्चे अपना नीचे आकर के जो भी है ना यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है ना, और कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पर देखो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी जो भी है कर सकते हो। फिलहाल हमें करना है साइंस के सेशन से फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री है सामने डाउनलोड लिखा है, क्लिक कर लीजिए। यहाँ भी पेज को रिफ्रेश करना है, जहाँ दो जगह बताया हूँ कर लेना, फिर आओगे कंटिन्यूअस कॉल डाउन करके इस प्रकार से नीचे आओगे, ऑब्जेक्टिव के देखो सारे प्रश्न जितना मैं बताऊंगा सारे प्रश्नों का आंसर की डाल दें, ठीक है ना, यहाँ तक देखो 60 प्रश्न 70 प्रश्न है, वैसे मैं यहाँ पर अभी तक 40 प्रश्नों का ही उत्तर डाला और भी डाल दूंगा। सब्जेक्टिव में देखो आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बनाना होगा दो मार्क्स वाले में, तो यहाँ पर डाल दिया हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, डाल दूंगा कुछ ही देर में, अभी सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाऊंगा, 3 प्रश्न आपको लॉन्ग में भी बनाना है, ठीक है, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं जस्ट डाल रहा हूँ। चलिए बढ़ते आगे, 31 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया, 32 जिप्सम में 393 के पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो ये आपका ऑप्शन डायरेक्ट बी नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 का मुझे नहीं पता है, 34 नंबर का जो है ऑप्शन नहीं होगा, 35 का जो है मुझे नहीं पता है, 36 का नोट करोगे ऑप्शन नहीं होगा, 37 का मुझे नहीं पता है, जितना पता है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 38 का ऑप्शन ये होगा, 39 का मुझे नहीं पता है, ठीक है, चलो और वैसे वहाँ दर्शाना डाल दें जाके लिख लेना, 40 का ऑप्शन भी होगा, ठीक है, तो बस 35 ही तो बनाना था, चलो जितना था बना दिया बता, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से जा करके। चलो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग, ठीक है ना, चलिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, मैंने पहले ही बोला ये सारा प्रश्न आपको 10 ही प्रश्न ऑलमोस्ट बनाना होगा। आप यहाँ पर पहला प्रश्न को देख सकते हो, दूसरा प्रश्न को देख सकते हो, तीसरा प्रश्न को, चौथा प्रश्न को, पांचवा प्रश्न को, तो ये सारा प्रश्न आपका रहने वाला है, ठीक है, ये सारा प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, आपको पूरा का पूरा लिख लेना, इसका आंसर मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहो, ठीक है, दिलगुटा प्रश्न ये सारा प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, और वहाँ से जाकर के आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमेशा चेकआउट कर दे देना, 10 मिनट 20 मिनट पर आपको मिल जाएगा आंसर की, ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।